अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आज़ादी के बाद से अब तक 90 लोगों को अशोक चक्र सम्मान दिए गए हैं। इस सम्मान की स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम अशोक चक्र वर्ग एक था। सन 1967 में इस सम्मान से वर्ग की अनिवार्यता को हटा दिया गया और इसके समकक्ष 3 सम्मान घोषित किए गए। इनका नामकरण क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र किया गया। 1 फरवरी 1999 से केंद्र सरकार ने अशोक चक्र के लिए 1800 रुपये का मासिक भत्ता निर्धारित किया है। चक्र पदक के डिजाइन के बारे में, अशोक चक्र पदक गोलाकार दोनों तरफ रीमों के साथ 1.38 इंच का व्यास और स्वर्ण कलई का होता है। इसके अग्रभाग पर तथा केंद्र में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण होती है, जिसके चारों ओर कमलमाला है। इसके पीछे की बात करें, बैक साइड की ओर, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों में अशोक चक्र शब्द उत्कीर्ण होते हैं। और इसके फीता का बात करें तो इसका फीता नारंगी खड़ी लाइन द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हरे रंग का होता है। अशोक चक्र पहली बार 26 जनवरी 1952 को दिया गया था और अंतिम बार सन 2018 में दिया गया था। आज तक 90 अशोक चक्र दिए गए हैं, जिसमें से 58 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं, और जिसमें सबसे पहला अशोक चक्र नर बहादुर थापा जी को और सबसे अंतिम दिया गया था सन 2018 में नज़ीर अहमद वानी जी को।